ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री भवानी शंकराय नमः, ओम श्री मात्रे नमः। जय शंकर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू आवर घराना प्रोग्राम ऑन दिस 20th February 2021। यस्टरडे ऑन द 19th ऑफ फेब्रुवरी इन 1708 The prayers of our Samaja were answered and His Holiness Srimad Parignanashram Swamiji the First, carrying the idol of Lord Bhavani Shankar, appeared at Koti Tirtha, Gokarna, becoming the first or the Pratama Guru in the magnificent lineage of the Guru Parampara of the Chitrapur Saraswats. Yesterday is also known as Magha Shukla Saptami or Ratha Saptami, Guru Prapti Divas. History is generally boring, and especially religious or spiritual history is very boring. Hence, it has to be told in an interesting way so that it remains in our memory and can be easily shared with our family and friends. Stories, poems, music, kirtan, and dance forms try to explain history in their own way so that we remember, and some leave a lasting impression on all of us. We always tend to go back to what we like or love most. A favorite movie, a book, songs, stories, and food. Grandparents and parents make up stories or scenarios when explaining difficult topic to kids or grandkids. Now, I present you a previous performance about our Pratama Guru Swami, Srimad Parignanashram the First, and our Guru Parampara. A bhajan written and sung in the form of Kavali by our own Vasant Hosangdi Maam and his son Gunjan Vasant, who is our favorite MC and technical guru of this program. Vasant Maam says, it was written with inspiration, grace, and blessings from His Holiness Sadyojat Shankarashram Swamiji. Let's all listen with our eyes closed and enjoy and learn about our parampara. साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चित्रापुर गुरु परंपरा की हम गाथा सुनाते हैं, चित्रापुर गुरु परंपरा की हम गाथा सुनाते हैं। चित्रापुर गुरु परंपरा की हम गाथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से सारस्वत हम
सारे एक हैं, जिनकी कृपा से सारस्वत हम सारे एक हैं। बरसती रहे कृपा उनकी नित हम ये मनाते हैं। बरसती रहे कृपा उनकी नित हम ये मनाते हैं। चेतापुर गुरु परंपरा की हम गाथा सुनाते हैं। चेतापुर गुरु परंपरा की हम गाथा सुनाते हैं। आदिकाल में मुगलों ने जब कश्मीर में उत्पात किए, सरस्वती तट के सारस्वत दक्षिण भारत चले गए। बुद्धिमान और स्वामी भक्त ये नगर राज्य में आ पहुँचे। प्रसन्न राजा की कृपा से उच्च पदाधिकारी हुए। राज्य के द्वेषी स्थानिकों ने नगर नरेश के कान भरे, कहा ये कैसे सारस्वत जिनके ना कोई गुरु खरे। सारस्वतों से राजा बोले कैसे सारस्वत हो, गुरु दर्शा दो वरना दंडित ना होने का कारण दो। चेत्रापुर गुरु परंपरा की हम गाथा सुनाते हैं। चेत्रापुर गुरु परंपरा की हम गाथा सुनाते हैं। दुख ग्रस्त और द्वेष त्रस्त गोकर्ण गए बहुत सारस्वत, अन्न जल बिना किया घोर व्रत हो गुरु आवाहन में रत। गोकर्ण के कोटि तीर्थ परिसर में प्रगटे महाबलेश्वर, स्वामी परिज्ञान आश्रम का तेजस्वी रूप धारण कर। व्याकुलों की कामना पूरी कर गए स्वामी संस्थान नगर। तो राजा बोले अपनी क्षमता की करवाओ पुष्टि मगर, श्रृंगेरी शंकराचार्य ने उनकी प्रशंसा कर दी। तब राजा ने स्वीकृति सारस्वतों को दे दी। चेत्रापुर गुरु परंपरा की हम गाथा सुनाते हैं। चेत्रापुर गुरु परंपरा की हम गाथा सुनाते हैं। फिर गोकर्ण लौट कर भंडिकेरी में मठ स्थापित कर, स्वामी जी ने सारस्वतों को दिए भेंट मनोहर। वर्षों बाद स्वास्थ्य ढला जब कृष्ण यासुत को अपनाया, नामकरण कर शंकर आश्रम उत्तराधिकारी बनाया। अल्प समय के बाद समाधि ले ली सद्गुरु स्वामी ने, तब मठ को संभाला शिष्य शंकर आश्रम स्वामी ने। एक बार शिवली में स्वामी जी अस्वस्थ हुए, श्री गोकर्ण लौटने में वो अक्षम हुए। चेत्रापुर गुरु परंपरा की हम गाथा सुनाते हैं। चेत्रापुर गुरु परंपरा के हम गाथा सुनाते हैं। श्री गुरु के विश्राम के लिए प्रबंध कुटीर का किया, नाम चित्रापुर प्रासाद जिसका अंकित कर दिया। क्षीण शरीर तज स्वामी जी मठ में समाधिस्थ हुए,
यही महासमाधि जिनकी होड़ी समाधि कहलाए। फिर से एक बार सारे सारस्वत अनाथ हुए, मठाधीश बिन मठ में ताला बंदी के आदेश हुए। कोल्लूर के घोर तपस्वी सुन सारस्वतों की विनती, परिज्ञान आश्रम द्वितीय रूप में बने मठाधिपति। चेत्रापुर गुरु परंपरा के हम गाथा सुनाते हैं, चेत्रापुर गुरु परंपरा के हम गाथा सुनाते हैं। समाज को सन्मार्ग दिखाते, प्रेम भक्ति की सीख दिलाते, धर्मोपदेश सदा बांटते, जीर्ण हुए गुरु समय बीतते। भक्त जनों की विनती सुन स्वामी जी ने आदेश दिए, शिष्य स्वीकार की हो तैयारी समाज के हित के लिए। श्री शुक्ल भट्ट मल्लापुर के पुत्र का किया शिष्य स्वीकार, शंकर आश्रम नामकरण कर सौंप दिया उत्तराधिकार। तत्पश्चात केशव वामन कृष्णाश्रम पांडुरंग आश्रम आनंदाश्रम परिज्ञान आश्रम सद्योजात शंकर। चेत्रापुर गुरु परंपरा के हम गाथा सुनाते हैं, चेत्रापुर गुरु परंपरा के हम गाथा सुनाते हैं। ऐसे ही श्री भवानी शंकर अनेक रूपों में साकार, प्रकट हुए स्वामी बनकर सारस्वतों के बारंबार। चित्रापुर गुरु परंपरा ये इसी प्रकार हुई शुरू, भवानी शंकर कृपा से मिले अमूल्य अतुल्य रत्न गुरु। ऐसी ये गुरु परंपरा अनोखी है हमारी, मात पिता भाई बंधु और मित्र भी हमारी। अब सनाथ सारस्वत जनता शरणागत है उसकी, श्री चित्रापुर गुरु परंपरा है महिमा अपार जिसकी। चित्रापुर गुरु परंपरा के हम गाथा सुनाते हैं, चित्रापुर गुरु परंपरा के हम गाथा सुनाते हैं, जिनकी कृपा से सारस्वत हम सारे एक हैं, जिनकी कृपा से सारस्वत हम सारे एक हैं। बरसती रहे कृपा उनकी नित हम ये मनाते हैं, बरसती रहे कृपा उनकी नित हम ये मनाते हैं। चेत्रापुर गुरु परंपरा के हम गाथा सुनाते हैं, चित्रापुर गुरु परंपरा के हम गाथा सुनाते हैं। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर, परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंदाश्रम कल्पतरु, परिज्ञानाश्रम सद्गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सारस्वत जनप्रियता सारस्वत समर्चकः
य आसीत्तं मुदा वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। Aditi Oleti, who is 11 years old, and she's from New Jersey, USA. She is studying in grade 6 at Crossroads North Middle School, New Jersey. And she's been learning Carnatic classical music for the last 4 years from Srimati Uma Srinivasan. She's also been learning bhajans from Srimati Uma Shankar and Srimati Shubha Sriram at Chinmaya Suranjali, New Jersey. Aditi has been attending New Jersey Prarthana Varg since she was a toddler and has been singing. Can you all hear me? Okay, thank you. So Aditi, can you switch on your camera? Unmute yourself. Jai Shankar, I would like to dedicate this bhajan seva to Swamiji and all my gurus. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. The first bhajan which I am going to be singing today is called Ekadantam Umasutam on Lord Ganesha. Ekadantam Umasutam Vinayakam Bhajagajananam Vinayakam Bhajagajananam Ekadantam Umasutam Vinayakam Bhajagajananam Vinayakam Bhajagajananam Gajananam 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 Vinayakam Bhaja Gajananam Vinayakam Bhaja Gajananam Vignaharakam Shivanandanam Vidyadayakam Gajananam Vignaharakam Shivanandanam Vidyadayakam Gajananam Vinayakam Bhaja 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 Gajananam Lambodaram Bhavaroga Vaishajam Vinayakam Bhaja Gajananam Lambodaram Bhavaroga Vaishajam Vinayakam Bhaja Gajananam 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 Ekadantam Umasutam Vinayakam Bhaja Gajananam Vinayakam Bhaja
गजाननम् चिदानन्दरूपम् गणेशम् चिदाभासकम् गजाननम् चिदानन्दरूपम् गणेशम् चिदाभासकम् गजाननम् प्रणवाकारम् सकलसुखदम् प्रणवाकारम् सकलसुखदम् दुरितविदूरम् गजाननम् दुरितविदूरम् गजाननम् विनायकम् भज गजाननम् विनायकम् भज गजाननम् एकदन्तम् उमासुतम् विनायकम् भज गजाननम् विनायकम् भज गजाननम् 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 The next bhajan which I am going to sing is a popular Marathi abhang called Hari Mana. Hari Mana, Tumi Govinda Mana, Tumi Gopala Mana, Tumi Narayana. Hari Mana, Tumi Govinda Mana, Tumi Gopala Mana, Tumi Narayana. Govinda Gopala Hari Narayana, Govinda Gopala Hari Narayana. Rama Mahana, Raja Rama Mahana, Sita Rama Mahana, Atma Rama Mahana. Rama Mahana, Raja Rama Mahana, Sita Rama Mahana, Atma Rama Mahana. Hari Mahana, Tumi Govinda Mahana, Tumi Gopala Mahana, Tumi Narayana. Hari Mahana. Tumi Govinda Mana, Tumi Gopala Mana, Tumi Narayana. Govinda Gopala Hari Narayana, Govinda Gopala Hari Narayana. Shama Mana, Gana Shama Mana, Mega Shama Mana, Radhe Shama Mana. Shama Mana, Gana Shama Mana, Mega Shama Mana. Radhe Shama Mana, Hari Mana, Tumi Govinda Mana, Tumi Gopala Mana, Tumi Narayana. Hari Mana, Tumi Govinda Mana, Tumi Gopala Mana, Tumi Narayana. Govinda Gopala Hari Narayana, Govinda Gopala Hari Narayana. Datta Mana, Guru Datta Mana, Shri Pada Mana, Guru Deva Mana. Datta Mana, Guru Datta Mana, Shri Pada Mana, Guru Deva Mana. Hari Mana, Tumi Govinda Mana, Tumi Gopala Mana, Tumi Narayana. Hari Mana, Tumi Govinda Mana, Tumi Gopala Mana. Govinda Gopala Hari Narayana, Govinda Gopala Hari Narayana, Isha Mana Jagadisha Mana, Sarvesha Mana, Paramesha Mana, Isha Mana Jagadisha Mana, Sarvesha Mana, Paramesha Mana, Hari Mana, Tumi Govinda Mana, Tumi Gopala Mana, Tumi Narayana. Hari Mana, Tumi Govinda Mana, Tumi Gopala Mana, Tumi Narayana. Govinda Gopala Hari Narayana, Govinda Gopala Hari Narayana, Govinda Gopala Hari Narayana.
I would like to dedicate this last bhajan to Sri Satyojat Shankarashram Swamiji. मन बावन मेरो सतगुरु नाम गुरु चरणों में चारु धाम मन बावन मेरो सतगुरु नाम गुरु चरणों में चारु धाम गुरु ने मिठाई विषय वासना गुरु ने मिठाई विषय वासना गुरु ने जगाई भक्ति भावना गुरु ने जगाई भक्ति भावना गुरु ने रमाला मेरो गुरु निष्काम गुरु निर्मल मेरो गुरु निष्काम गुरु चरणों में चारु धाम मन बावन मेरो सतगुरु नाम गुरु चरणों में चारु धाम गुरु ने सिखाई सत की साधना गुरु ने सिखाई सत की साधना जप तप निष्ठा नित्योपासना जप तप निष्ठा नित्योपासना गुरु ही ईश्वर गुरु ही राम गुरु ही ईश्वर गुरु ही राम गुरु चरणों में चारु धाम मन बावन मेरो सतगुरु नाम गुरु चरणों में चारु धाम अविचल प्रीत गीत सिखा दो अविचल प्रीत गीत सिखा दो गुरुवर नैया पार लगा दो गुरुवर नैया पार लगा दो लीजो मेरो कोटि प्रणाम लीजो मेरो कोटि प्रणाम गुरु चरणों में चारु धाम मन बावन मेरो सतगुरु नाम गुरु चरणों में चारु धाम मन बावन मेरो सतगुरु नाम गुरु चरणों में चारु धाम चारु धाम चारु धाम I would like to thank Mahesh Mom, Prabhakar Mom, Vasant Mom and Omkar Mom for giving me this opportunity of Bhajan Seva. I would also like to thank all the listeners for encouraging me and blessing me. Jai Shankar. Thank you, Aditi. So what we will do is just stay there. At the end, all the audience will talk to you. So just hang on, okay? Now you can mute yourself. And now we go to our next item, Hemant Kopikar. He's going to be playing tabla solo. Hemant Kopikar is an engineer by profession and
trained percussionist. Sorry, a trained percussionist and is a senior disciple of the renowned tabla and pakavaj maestro Sadanand Naimpalimam. He has been learning this art from him ab initio, winner of tabla competition during the initial years of his talim at Shanmukananda Fine Arts and Sangeet Sabha under the able guidance of Pandit Sadanand Naimpali. He later represented his engineering college and university in youth festivals, bagging several prizes. Hemant also accompanied his guru for a special concert broadcasted on Doordarshan, performing a special taal, Gaurav Taal, 50 Matras, composed by his Guruji on occasion of India's 50th year of India's independence in the year 1997. He has assisted Guruji on his first critically acclaimed book, Theory and Practice of Tabla, by doing the bulk of the computer work. Hemant has performed tabla solo, jugalbandi recitals, and has accompanied various artists. He has also played at India Festival in Portland, Oregon, USA in 2008 during India's Independence Day celebration. In addition, he's the founder member and honorary treasurer of Ahmad Pratishthan, a charitable trust started under his Guruji's guidance, which is involved in promoting Indian classical percussion music for budding and seasoned artists alike. Hemant is currently employed in the software industry as a program manager. He's also learning to play djembe, an African percussion instrument. Welcome, Hemant Mam. Okay. I hope I'm audible. Yes. Namaskar, Jai Shankar. Good morning, good evening to all of you. I would like to thank first Nileshwar Ma'am, Prabhakar Ma'am, Omkar Ma'am for giving me this opportunity to play. So without taking much time further, I'll be playing Taal, Teen Taal. So I'll be starting with few Kaidas, then I'll be moving to Rela, and then I'll take Madhyale. I'll play some Ustad's composition Guts, Chakradas Param, and then for Drutlay, I'll go. Thank you.
The next kaida I'm going to play is a double tirikita kaida. This is a composition by our Guruji Pandit Sadanand Nampally. Next kaida will be in Pavane Duguni Lay. Like it will be 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Thank you.
The next composition is a Rela. Again, this is a composition by my Guruji Pandit Sadanand Ampali. The significance of this Rela is it has got Dhiri Dhiri and Dina Dina. Very few Relas have this combination. जी साहब की गत है thank you.
उस्ताद मम्मू खां साहब की गत। उस्ताद बख्शू खां साहब खलीफा उनकी गत है। चक्रधार अगेन कंपोज बाय माय गुरुजी एंड इट स्टार्ट्स लिटिल बिफोर सम। उस्ताद मुनीर खां की गत है। पांच जाति की गत है। अगला गत है पांच लय का गत। इसे तेगा जाफर उस्ताद तेगा जाफर का की गत भी कहते हैं। इसमें आपको पांच वाद्यों का अनुभव होगा, डमरू, ढोलक, नगाड़ा, पकावज और तबला।